हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आप सभी को राधे राधे। और पता है हमारे यहाँ पे कल रात से बारिश हो रही है। किस किस के यहाँ पे कल रात से बारिश हो रही है? बिल्कुल भी बंद नहीं है बारिश। तो ये देखो बच्चे तो बस बारिश में भागते ही रहते हैं। इनको कितना भी मना कर लो बस कहते हैं बारिश में नहा लें नहा लें नहा लें। और इस टाइम बीमारियों का काफ़ी मौसम चल रहा है तो इसलिए मैं नहाने नहीं देती हूँ। और यहाँ बन रही है चाय और यहाँ मेरा दूध गर्म हो रहा है तो मैं बच्चों को दूध दे दूँगी और सबके लिए चाय बना दी है। तो चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए और आप सभी को राधे राधे फिर से, जिसको मैंने नहीं कहा है। तो यहाँ बच्चों ने आज मुझसे बोला था, ये दोपहर का टाइम हो रहा था, बच्चों ने बोला मम्मी मैगी बना दो, तो मैंने मैगी बना दी थी। और पीली वाली मैगी मुझे अच्छी लगती है, यप्पी वाली जो मैगी होती है वो नहीं अच्छी लगती है। और काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने भी मैगी नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा चलो मैगी खा लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। कभी कभी अब बहुत टाइम हो जाता है तो चीज़ों को खा लेना चाहिए। और यहाँ मैं बना रही थी आज पनीर की भुजिया, तो यहाँ मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया था। बहुत टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी पनीर की भुजी बना लो, पनीर की भुजी बना लो। तो प्याज और हरी मिर्च डालने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन अब इन बच्चों को कौन समझाए, जब प्याज और हरी मिर्च नहीं डलेगी तो बताओ कैसे भुजिया बनेगी। मानते नहीं है बिल्कुल भी, प्याज हरी मिर्च ये टमाटर वगैरह खाते नहीं है, सारी चीज़ें निकाल के फेंक देते हैं। तो यहाँ मैं पनीर को कद्दूकस कर रही थी और ये 3-4 प्याज रखे हैं, इनको भी मैं कट कर लूँगी। और सच में मतलब YouTube पे आने के बाद ना मुझे आप लोगों के सपोर्ट से ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरी जो YouTube फैमिली है मेरा हर जगह सपोर्ट करती है। थैंक यू मेरी YouTube फैमिली, जो मुझे आप हर जगह सपोर्ट करते हो। और मतलब कुछ लोग मुझे जो गलत बोलते हैं उनको आप जवाब भी देते हो, तो सच में मैं कभी भी अपने आप को अकेला फील नहीं करती हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई गलत बोलेगा तो मेरे पापा मतलब जवाब देंगे, मेरे भाई जवाब देंगे, लेकिन सच में मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली हो गई है और मेरे लिए बोलती है थैंक यू। लेकिन मैं चाहे कितना भी अच्छा कर लूँ, लेकिन जिन लोगों को मुझ में बुराइयाँ नज़र आती हैं उनको बुराइयाँ ही नज़र आएंगी। कोई बात नहीं, उनको मैं शायद उनकी नज़र में बुरी होंगी या फिर मुझ में कुछ कमी होगी, इसलिए उन लोगों को मुझ में वो कमियाँ नज़र आती हैं। तो यहाँ मैं परी से बात कर रही थी और मिर्चे मैं डाल दे रही हूँ बच्चों से, छुपके से आप देख रहे होंगे मैं चुपचाप से एक कोने में मिर्च काट रही हूँ ताकि बच्चे ना देख पाए, क्योंकि अगर मिर्च डाल देती हूँ ना तो कहेंगे आपने मिर्च डाली है मम्मी, आपने मिर्च डाली, आप तो कह रही थी आपने मिर्च नहीं डाली है। अब ये बताओ ना, तो लाल मिर्च डालो और ना ही हरी मिर्च डालो। मुझे तो बिल्कुल भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल चटपटी सब्जी नहीं लगती है, तो मेरा तो खाने का भी मन नहीं करता। और इन बच्चों को बस नमक डाल दो और ना प्याज डालो ना टमाटर डालो, बस ऐसे ही बना के दे दो। तो यहाँ मेरी प्याज वगैरह भून चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया था और एक टमाटर मैंने कट कर लिया था, तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज मेरी भुन जाएगी, इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। और पकाने के बाद मैं फिर पनीर भुजी डाल दूँगी। काफ़ी सारे लोग पनीर की भुजी अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट मैं तो बच्चों के सिंपल तरीके से ही बना देती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं तो सिर्फ सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बच्चों ने तो मना ही कर दिया था कि मम्मी प्याज मत डालना, बट मैंने प्याज डाल दी है और दो हरी मिर्च भी कट करके डाल दी हैं। तो बस यहाँ पे मेरी पनीर की भुजी रेडी हो जाएगी। और मैंने टमाटर इसमें थोड़ा ही डाला है, क्योंकि टमाटर बच्चे फिर बाहर निकाल देंगे तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और ये आप लोगों को दिख रहा है, ये मैंने बच्चों से छुपके से मिर्च डाल दी है ताकि मैं भी खा सकूँ, वरना मैं नहीं खा पाती हूँ बिल्कुल भी। मतलब बिल्कुल फीकी फीकी सी चीज़ें बनवाते हैं बच्चे। तो यहाँ मैंने अपने नमक भी डाल दिया है। नमक डालने के बाद हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। तो मैं अपने कद्दूकस किया हुआ पनीर भी इसमें डाल दूंगी और देख सकते हो मसाले का कलर कितना अच्छा आ रहा है। काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पर मैं ऐसी सिंपल तरीके से बना देती हूँ। और काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला है कि दीदी आप है ना अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर किया करो, तो डियर करा करूँगी। अभी थोड़ा सा त्यौहार का टाइम है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो मेरे पास ना स्टिचिंग आ रखी है तो मुझे स्टिचिंग भी करनी होती है। और ये देखो मसाले का कलर कितना अच्छा आ गया है ना। और यहाँ मैंने अपना कद्दूकस किया हुआ पनीर भी डाल दिया है इसमें, और ये देखो आप कितना अच्छा सा मतलब लग रहा है। और पनीर की जो भुजी होती है वो काफ़ी टेस्टी लगती है, आप इसके साथ पराठे पूड़ी, तो मैं तो इसके साथ परांठे बनाने वाली हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, जिसको खाना है और कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो रेड चिली पाउडर होता है, जो कलर वाला होता है ना, वो मैंने डाल दिया है। तो देख सकते हैं आप इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। और इसमें भी पता है बच्चे यूँ बोल रहे थे कि मम्मी आपने ना इसमें ना बहुत सारी मिर्च डाली है इसलिए ये लाल हो गई है, बताओ क्या करा जाए, इन बच्चों को कैसे समझाया जाए। तो यहाँ देखो अभी इतने सारे बर्तन हो गए थे धोने के लिए, तो मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, बर्तन सारे धुल चुके हैं।
तो बस ये है अभी मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बोला दीदी आप चश्मा बनवा लो चश्मा बनवा लो। मैं पता है भाई मुझसे बोलता है कि आ जाओ, और भाइयों को भी पता है कि अभी लॉकडाउन की वजह से इतनी सारी छुट्टियाँ हो गई थी तो उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं जो कि वो यहाँ आ पाए, तो मुझसे बोलते हैं कि तुझे आके ही चेक करवाने पड़ेंगे आँखें। अब मैं जाऊँगी, मतलब मुझे अभी जाना है क्योंकि जो मेरी बड़ी भाभी हैं वो जा रही हैं, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। और यहाँ मैं अपने सारे बर्तन लगा दूंगी। मैंने स्टैंड मंगा तो लिया है बट वो स्टैंड है ना मेरी बड़ी वाली भाभी है ना उनके मायके में रखा हुआ है। तो ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का था, तो मैं मॉर्निंग में यहाँ पे कर रही थी कूलर साफ़ क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो इस टाइम ना बारिश के मौसम में कूलर तो चल नहीं रहा, तो मैंने कहा लाओ इसको साफ़ करके और इसे एक साइड में लगा देती हूँ क्योंकि इस टाइम कीड़े वीड़े पड़ने का, जो भी मच्छर वगैरह होते हैं वो पड़ने का ज़्यादा डर रहता है। तो जब कूलर का यूज़ नहीं करती ना तो मैं इसका पानी निकाल देती हूँ और इसको अलग, मतलब अलग निकाल के रख देती हूँ क्योंकि फिर मच्छर वच्छर पड़ने का ज़्यादा डर रहता है और इस टाइम पे ना जो मच्छर हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। और मुझे देखती हूँ मैं इस अगस्त में ही, मुझे मतलब 15 तारीख से पहले पहले अपने घर जाना पड़ेगा क्योंकि जो मेरी बड़ी वाली भाभी हैं वो जा रही हैं, तो वो आप लोगों को मैं बाद में बताऊँगी कि वो कहाँ जा रही हैं और फिर वो हम उनसे शायद वो हमें रक्षाबंधन पर भी नहीं मिलेंगी, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम उनसे पहले ही मिलाते हैं क्योंकि फिर वो रक्षाबंधन पे प्रॉब्लम है। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे मम्मी भी नहीं है और पापा भी अब नहीं है, तो इस वजह से, और आपको पता ही है कि उनके बेबी होने वाला है, तो वो ना मतलब अपने मतलब मायके जाएंगी, तो इस वजह से और हम लोग भी नहीं जा सकते, पर हम लोग बाद में चले जाएंगे जब उनकी डिलीवरी हो जाएगी। तो डिलीवरी होने के बाद हम लोग, मतलब हम दोनों सिस्टर एक एक महीने के लिए वहाँ पे रहने लगेंगे। और फिर पता है कि उनके जो दोनों बच्चे हैं ना, उनके बच्चे ऑपरेशन से होते हैं और हमें इतनी नॉलेज है नहीं, तो वहाँ पे उनकी 2-3 भाभियाँ हैं, पापा हैं, भाई हैं, और जो वहाँ पे हॉस्पिटल है ना तो हॉस्पिटल में उनके भाई के जान पहचान वाले हैं, तो इस वजह से ना वो वहीं पर चली जाती हैं। और यहाँ पर फिर वहाँ पर ना उनकी थोड़ी सी अच्छी सी केयर हो जाएगी, जब उनकी डिलीवरी हो जाएगी तो वो यहाँ पर आ जाएंगी हमारे यहाँ पर। और यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा था तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे में ना पूरे में गीला गीला हो जाता है जितना खुला हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं वाइपर से पानी सूत रही थी। भाई का कल भी फ़ोन आया था तो वो मुझसे बोल रहा था कि आ जा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 4 महीने के लगभग हो गए हम लोग नहीं गए हैं। और भाभी भी बोल रही थी कि आ जाओ दीदी बहुत दिन हो गए मिल जाओ आके, तो मैंने कहा आएंगे टेंशन मत लो, कह रही कि मैं रक्षाबंधन पर मिलूँगी नहीं। अब बस ये है चाहे कहीं भी हो उनकी डिलीवरी, बट ये है कि बस नॉर्मल से हो जाए क्योंकि देखो मम्मी भी नहीं है और पापा भी नहीं है, बस हम लोग भी अगर रहेंगे भी तो 10-12 दिन के लिए रह सकते हैं, 15 दिन के लिए रह सकते हैं क्योंकि फिर हमारे बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई होती है। ये है कि देखो एक दूसरे का साथ तो देना ही चाहिए। अब ये है कि 10-15 दिन मेरी छोटी सिस्टर रह लेंगी, 10-15 दिन मैं रह लूँगी जब प्रॉब्लम होगी, और बाकी वो 15-20 दिन अपने घर रह के आ जाएंगी। तो ये है कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए भाई, और जब हम हाथ को हाथ होता है कहते हैं, जब हम उनकी हेल्प करेंगे तो वो हमारी करेंगी, और फिर एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए क्योंकि अब मम्मी पापा तो है नहीं, एक दूसरे की हेल्प तो ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ मेरा ये यहाँ पे मैंने पूरा पानी सूख दिया था क्योंकि फिर गीला गीला बना रहता है ना, तो यहाँ पे कमरे में ना पैर पूरे में छपे जाते हैं। और यहाँ मैं अपने पोछा वोछा लगाने लग गई थी, और सुबह के टाइम में पूरे पहले तो पूरे बिस्तर बिस्तर झाड़ देती हूँ, और आप देख रहे होंगे सारे में कपड़े कपड़े पड़े हुए हैं, तो ये ना मेरे स्टिचिंग वाले कपड़े हैं, जो स्टिचिंग के कपड़े आए हुए हैं ना तो वो पड़े हुए हैं। तो आज मैंने ना ये स्टिचिंग के कपड़े निकाल के रखे हुए थे कि मुझे क्या क्या कपड़े कटिंग करने हैं, तो मैंने ये सारे कपड़े निकाल लिए। तो आज मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे घर जाने से पहले अगर गई तो देखूंगी रुकूंगी घर या नहीं रुकूंगी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन घर जाने से पहले ना मैं कटिंग वटिंग करके मैं सोच रही हूँ कि सारी जल्दी से स्टिचिंग सारी ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ मेरा पोछा लग चुका है, और परी मुझसे बोल रही थी कि मम्मी मुझे एक ड्रेस दिला दो, तो देखती हूँ एक दिन टाइम निकाल के परी को कपड़े दे, परी को क्या परी शौर्य दोनों को कपड़े दिलाने के लिए जाऊँगी। अपने लिए तो नहीं लेके आऊँगी क्योंकि अभी मैंने अपने लिए एक अमेज़ोन से सूट मंगवाया था और मेरे पास 2 सूट रखे हुए हैं, तो उन्हीं को मैं स्टिच कर लूँगी। पहले शौक़ होता था कि मतलब त्यौहार पर नए कपड़े खरीदने हैं, पर अब सारे शौक़ ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, बस अब ऐसा लगता है कि बच्चों के शौक़ पूरे करो। और बस यहाँ मेरा काम वाम हो चुका है, तो बच्चों को दिलाने के लिए जाऊंगी कपड़े में। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और नहाना मेरा हो चुका है, काम भी हो गया है, नाश्ता भी हो गया है, और आज मैंने देखो लगा रखी है बिंदी क्योंकि मुझे कल के जो व्लॉग डाला था मैंने उसमें काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये बोला था कि दीदी आप बिंदी लगा के आया करो, अगर आप बिंदी नहीं लगा के आओगी तो हमें ऐसा लगेगा, क्योंकि उस दिन मुझसे किसी ने ये सवाल किया था कि दीदी आप बिंदी क्यों लगाती हो, तो मैं 2-3 दिन बिंदी लगा के नहीं आई थी तो उनको बुरा लगा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब मेरा मन करता है तो मैं लगा लेती हूँ, मुझे किसी के कहने सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
जब मेरा मन करता है तब मैं लगा लेती हूँ, नहीं करता तो नहीं लगाती हूँ। और घर में तो मैं सच में ही नहीं लगाती, घर में मैं सिंपल ही रहती हूँ। और परी को मैं देखो किसी दिन कपड़े दिलवाने जाऊँगी, क्योंकि मुझसे वो काफ़ी टाइम से बोल रही है। वैसे तो मैंने ना उसके लिए ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगा दी हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। लेकिन मैंने उसके पसंद की मंगवाई है। लड़कियों के साथ ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है कि अगर मम्मियों से लड़कियां कुछ कह देती हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी मतलब बच्चे चाहे लड़कियों चाहे लड़का हो, अगर कुछ भी कह देते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी विश पूरी करें। तो शौर्य ने भी मुझसे बोल रहा था, तो मैं सोच रही हूँ कि किस दिन टाइम निकाल के जाऊँ, या फिर देखती हूँ ऑनलाइन अगर कुछ अच्छा सा मिल जाएगा तो ऑनलाइन मंगा दूँगी मैं। और आप लोगों को मेरा फेस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, तो मैंने आपको बताया है कि मेरी सर में 2-3 दिन से दर्द हो रहा है। भाई बहुत डांटता है, कहता है कि एक दिन के लिए आ नहीं सकती है, चेक करवा ले, चश्मा मैं बनवा के दे जाऊंगा। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं घर जाऊंगी ना तो मैं खुद ही अपनी पसंद से बनवाऊंगी, क्योंकि मुझे फिर अगर उसने ऐसा वैसा बनवा दिया तो मैं बाहर जाऊंगी, बाहर लगा के नहीं जा पाऊंगी। तो मैं थोड़ा सोच रही थी कि अपने हिसाब से बनवाऊंगी चश्मा। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि दीदी ऐसे सफाई मत किया करो, रात में काम मत किया करो। तो थैंक यू। और सच में मेरी YouTube फैमिली बहुत अच्छी है, मैं आपके मैसेज पढ़ के ना बहुत मोटिवेट होती हूँ सच में। और सच में मैं नहीं, मेरे बच्चे भी मैसेज पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आप लोगों के मैसेज देख देख के। और थैंक यू, ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बना के रखना। और आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करूँगी। आज किसी का बर्थडे है, तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी बेटी का बर्थडे है, डेथ सेलर नाम से उनकी आईडी है शायद। तो वो काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि दीदी मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो उसे आप अपना आशीर्वाद दीजिए, उसे विश करिए। तो उनकी बेटी का नाम पीहू है, सो प्लीज़ मैं तो विश कर ही रही हूँ, आप लोग भी उसे विश करना। और हैप्पी बर्थडे पीहू बेटा, कैसे हो आप? अगर आपके पास में होती तो आपके लिए ज़रूर कोई गिफ्ट लेके आती। और हैप्पी बर्थडे, भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे जो आप अपनी लाइफ में चाहो। और हैप्पी बर्थडे, आज उसका 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को उसका बर्थडे है, तो आंटी की तरफ से आपको बहुत 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 ढेर सारी बधाइयाँ। तो और मैं क्या कहूँ, और प्लीज़ आप लोग भी पीहू बेटे को विश कर देना। और बस इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं। प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि दीदी आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, सो प्लीज़ आप लोग ऐसा करिए कि एक बार मेरी वीडियो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर दोबारा से सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए, और तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।